हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल आर गुड। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर टू। चैप्टर नंबर टू इज अ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, फर्स्ट चैप्टर का जो आपका लेक्चर था वो दो पार्ट्स में मैंने अपलोड किया है, पार्ट वन एंड पार्ट टू। ओके, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर तब भी किसी को नहीं मिला है चैनल पे, तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो प्लीज़ आप वहाँ जाके चैप्टर वन पे विजिट कर सकते हैं। और ये है आपका चैप्टर नंबर टू। चैप्टर नंबर टू बायोलॉजी एंड चैप्टर नेम इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये बायोलॉजिकल का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, प्रॉपर चैप्टर का नेम ये है। इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्टली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकंड इज किंगडम, किंगडम मोनेरा हुआ, प्रोटिस्टा हुआ, फंजाई, ठीक है। Then virus, what is the virus and structure of virus, disease कौन कौन सी caused होती है virus से वो, and lichens हो गया। ये कुछ 7 to 8 points हैं जो chapter 2 में हम लोग अभी discuss करेंगे, ठीक है। और ये एक ही lecture में या एक ही part में upload होगा, ये lecture जो है वो दो part में upload नहीं होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट इज व्हाट इज सिस्टमैटिक्स एंड देन इज व्हाट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी वर्ड जो है वो मैं आपको लास्ट क्लास में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूंगी, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि टैक्सोनॉमी वर्ड क्या है एंड टैक्सोनॉमी क्या होता है। फर्स्टली सिस्टमैटिक्स चीजें क्या है, स्टडी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द गोल ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। किसके बारे में पढ़ना, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ना, स्टडी करना एंड क्लासिफिकेशन करना ऑर्गेनिजम्स की, मतलब किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना एंड उनका क्लासिफिकेशन करना विद द गोल ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। जो सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन होता है बच्चों, वो आर देयर टू टाइप, वन इज इट टू किंगडम एंड सेकेंड इज इट फाइव किंगडम। जो सारे किंगडम हम आगे की क्लास में भी एक एक करके सारे किंगडम्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत पहले स्टार्ट हो गया था। ये डिवाइड होता है प्लांट्स का इंटू हर्ब्स में, श्रब्स में एंड ट्रीज में, ठीक है। और एनिमल इंटू द दोज विद द रेड ब्लड एंड दोज हु डू नॉट हैव इट, ठीक है। तो एनिमल्स में भी दो टाइप्स में और प्लांट में तीन टाइप। प्लांट में जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे होता है, प्लांट्स में होता है इनटू द हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, ओके। और एनिमल्स में आरबीसी, रेड ब्लड एंड रेड ब्लड है या रेड ब्लड नहीं है, ठीक है। सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन जो है वो अगेन टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें आते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन एंड नेक्स्ट इज ए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। वन इज टू किंगडम एंड नेक्स्ट इज ए फाइव किंगडम। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमिलियो, मतलब किंगडम ऑफ प्लांट एंड किंगडम ऑफ एनिमल। किंगडम प्लांटिंग एंड किंगडम ऑफ ठीक है। नेक्स्ट फाइव किंगडम कौन कौन से होते हैं, फाइव किंगडम इज ए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट एंड एनिमल, प्लांटे एंड द एनिमल।
देव फाइव टाइप्स के किंगडम्स होते हैं. जो मेन क्राइटेरिया है, जो मेन क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का, वो भी ऑर्गेनिजम्स पे, तो जिसमें इन वो किस स्पेसिस को होता है, जिस भी किंगडम में क्या है सेल स्ट्रक्चर इंक्लूड होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, जिनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, ठीक है. ये सारी चीजें कितने आती है सिस्टमैटिक्स में, ये सिस्टमैटिक चीजें क्या होती है या सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन क्या होते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज द टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी वर्ड जो है मैं आपको लास्ट क्लास में पूरा प्रॉपरली डिस्कस कर चुके हैं, बट दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ टैक्सोनॉमी क्या है. स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन साइंस, क्लासिफिकेशन स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन साइंस ऑफ आइडेंटिफाई द नेम एंड क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म इनटू द ग्रुप. ठीक है, किसी चीज की क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन, इन सब के बारे में स्टडी करना. ठीक है, 17th सेंचुरी में ये एक बायोलॉजिस्ट है जिसे बॉटनिस्ट बोलते हैं, उन्होंने डेवलप किया था बायनोमियल नोमन नेमिंग सिस्टम, जो मैंने आपको कल लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था नोमन क्लेचर का पूरा सिस्टम, तब मैंने बताया था कि कौन से साइंटिस्ट ने इसको डिस्क्राइब किया था. जियोग्राफिकल एड्रेसेस, ठीक है, एंड द टेक्सोनॉमिकल एड्रेसेस क्या होते हैं, वो एक किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, नीचे से ऊपर. कभी भी टेक्सोनॉमिकल एड्रेसेस जो हैं, आप कभी नेमिंग में मिस्टेक मत करना, आपको लगेगा कि हम लोग हर चीज़ ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली पहले किंगडम आएगा, फ्लोएम आएगा, क्लास आएगा, ऑर्डर आएगा, फैमिली आएगा, जीनिस आएगा एंड स्पीशीज आएगा. रॉन्ग, ये चीज़ें कभी भी नहीं आती हैं. अगर कोई भी आप टेक्सोनॉमिकल एड्रेसेस करते हैं, टेक्सोनॉमिकल नेमिंग करते हैं, तो हमेशा जो भी नाम रखा जाएगा या जो भी नेम नोमेनक्लेचर होगा वो होगा स्पीशीज टू जीनस, जीनस टू फैमिली, फैमिली टू ऑर्डर, ऑर्डर टू क्लास, क्लास टू फ्लोएम एंड फ्लोएम टू किंगडम. ठीक है, अब क्लासिफिकेशन क्या है, मैंने आपको भी बताया क्लासिफिकेशन. फाइव किंगडम सिस्टम जो होते हैं उसमें मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटी, फेंगी, एनिमिया, ये चीजें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी. ठीक है, नेक्स्ट इज सिक्स किंगडम सिस्टम जिसमें आता है यूबैक्टीरिया, आर्किनोबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगी एंड एनिमल. मीन्स इसमें मोनेरा के अंदर दो चीजें और ऐड हो जाती हैं, ठीक है, बाकी सब ऐसे ही रहता है. ठीक है, नेक्स्ट थ्री डोमेन सिस्टम. डोमेन सिस्टम वही है, यूबैक्टीरिया, दिस एंड यूकेरिया. एट किंगडम सिस्टम, यूबैक्टीरिया, दिस, दिस, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एल्गी एंड वो प्लांटे, फंगी एंड द एंड. सिक्स किंगडम सिस्टम जो है जिसके अंदर मोनेरा की जगह आया है यूबैक्टीरिया, आर्किनोबैक्टीरिया एंड बाकी जो सारे स्टेजेस हैं वो सिमिलर है, या सारे सिस्टम जो है सिमिलर है, लाइक मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, देन प्लांटे, फंगी एंड एनीमिया. ठीक है, ये बस सिक्स किंगडम, ये वैसे फाइव किंगडम सिस्टम होता है जो आपके प्रॉपरली सिलेबस में क्या है, फाइव किंगडम सिस्टम. बट सिक्स किंगडम सिस्टम में मोनेरा जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. फर्स्ट इज यूबैक्टीरिया, ठीक है, एंड सेकेंड इज आर्किबैक्टीरिया. ओके, किंगडम मोनेरा क्या है वो मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन कर दूंगी, मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किंगडम मोनेरा होता क्या है. ठीक है, फर्स्टली इसको लॉक कर देते हैं.
सा टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया की जो अपनी एक स्पेसिफिक शेप्स होती हैं, जितने भी बैक्टीरिया है उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स होंगे, लाइक कोई स्फेरिकल शेप में होगा, देन नेक्स्ट इज रॉड शेप्ड, सेकेंड इज कॉमा शेप, एंड लास्ट इज स्पाइरल शेप। ठीक है, किंगडम मोनेरा क्या है? इट्स ए बैक्टीरिया, ये एक टाइप का बैक्टीरिया है। हर बैक्टीरिया की अपनी अलग टाइप की शेप्स होती हैं। ये सारी शेप जो है आपने 8th क्लास में भी पढ़ी होंगी। तो देन बैक्टीरिया की शेप्स क्या क्या होती हैं? स्फेरिकल शेप में होता है, रॉड शेप में होता है, कॉमा जैसा स्ट्रक्चर होता है उस शेप में भी होता है, एंड देन स्पायरल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया जो है वो ऑलमोस्ट हर जगह आपको प्रेजेंट मिले, हर जगह मिलेगा, हर जगह प्रेजेंट होता है। ठीक है, मोस्टली कहाँ पे? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। बैक्टीरिया अगेन वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, या मोनेरा जो है, मोनेरा भी इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, तो वो अगेन दो पार्ट में डिवाइड होता है, जो मैं आपको एक पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दिस इज अ यू बैक्टीरिया एंड दिस बैक्टीरिया। ठीक है, पहली बार सेकेंड थिंग, मोनेरा जो है वो क्या है? सॉल्ट लविंग है। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स बता देते हैं। दिस इज अ सॉल्ट लविंग, प्लीज आप लोग नोट कर सकते हैं। एंड सेकेंड इज ए थर्मो एसिडोफिल्स, मीन्स हॉट स्प्रिंग। ठीक है, मीथोजेनस होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं मीथेन गैस। ये सब क्या है? कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? आपके मोनेरा के। थर्ड इज मीथोजेंस, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। फोटोसिंथेटिक जो भी ऑटोट्रॉप है, लाइक साइनोबैक्टीरिया हुआ, ठीक है, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ठीक है, वो क्या स्पेशलाइज्ड है? हिट्रोसाइट्स में एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी मोनेरा की, किंगडम मोनेरा की। और भी चीजें हैं, मैं आपको बताती हूँ। बाकी जो एल्गी ब्लूम होते हैं वो रिच ग्रोथ होती है, कैसे? ब्लू ग्रीन एल्गी की। वो कहाँ पे ग्रो करते हैं? वो कौन से सरफेस पे ग्रो करते हैं? वो सब सरफेस, कौन से सरफेस पे ग्रो करते हैं? वो पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज होती हैं, उन पे ग्रो करते हैं। ठीक है, पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज पे ग्रो करते हैं। एल्गी ब्लूम जो है वो रिलीज करता है न्यूरोटॉक्सिन। ठीक है, क्या रिलीज करता है? न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है। ओके, ये सारी चीजें थी आपकी किंगडम मोनेरा के बारे में। मैंने आपको बताया कि एक टाइप का बैक्टीरिया है, उसकी शेप्स क्या क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप है, मोनेरा जो है वो सॉल्ट लविंग है, थर्मो एसिडोफिल्स है, मीथोजेंस है, क्या क्या प्रोड्यूस करता है? मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये सब कुछ उसकी छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक। फिर मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आके बैक्टीरिया एंड डोमेन यूरे का मतलब यूकेरियोट्स, इनके कॉमन एंसेस्टर क्या है? ये देखिए, अमीनो एसिड्स हैं जो इनिशिएट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को, देन उनमें बैक्टीरिया कौन सा है, यू कौन सा है, एंड आर्के कौन सा है, ये सब क्या है? डोमेन है इनके, ये फीचर्स ऑफ द डोमेन ऑफ द लाइफ। ठीक है, देन जो भी इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन द कुछ जीन्स में प्रेजेंट होते हैं बट बैक्टीरिया में एबसेंट होते हैं, इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे कुछ फीचर्स हैं जो भी ये डोमेन्स है, लाइक आर्के बैक्टीरिया हुआ एंड यूकेरिया हुआ, इन सब के अंदर ये सब चीज़ें प्रेजेंट हैं कि नहीं है। लाइक मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, वो सब में एब्सेंट होते हैं, बस यूकेरिया में प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन लिपिड स्ट्रक्चर जो है वो ब्रांच्ड होता है बैक्टीरिया में, अनब्रांच्ड है, यूकेरिया में भी अनब्रांच्ड होता है। न्यूक्लियर एनवलप जो है वो एब्सेंट होते हैं बैक्टीरिया में, एब्सेंट होते हैं इसमें, प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ डीएनए आरएनए पॉलीमरेज बहुत सारे होते हैं, बैक्टीरिया में खाली एक होगा,
देन इसमें भी बहुत सारे हो गए। पेप्टाइलोग्लाइकेन इन द सेल वॉल सब में एबसेंट होता है, बस बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। रिस्पॉन्स टू द एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रोथ इनहिबिट नहीं करता, किसमें आके में डोमेन में जो है ग्रोथ इनहिबिट करता है, एंड जो भी यूकेरिया है उसमें भी ग्रोथ को जो है वो इनहिबिट करता है। ठीक है, टेन प्रोक्रियोटिक इवोल्यूशंस, ये देखो सबके स्ट्रक्चर्स। प्रोक्रियोटिक इवोल्यूशन इज ए किंगडम, मोनेरा इज नॉट ए मोनोफिलेटिक। दे आर द टू टाइप्स ऑफ ब्रांच, इसमें दो ब्रांचेज होती है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, एक्सट्रीमली इन्वायरमेंट एंड द बैक्टीरिया, दे आर द टू टाइप ऑफ ब्रांच। और मोनेरा के जितने भी मेन मेन करेक्टरिस्टिक्स है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, ये देखिए आप, यू बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव, ठीक है कि नहीं, बैक्टीरिया ये सब चीजें ग्राम नेगेटिव, ये क्या है, सबकी अपनी अलग अलग शेप्स है। बैक्टीरिया ऑन द पॉइंट ऑफ द पेन, उसके बाद द लार्जेस्ट नोन प्रोक्रियोट ए मैरिन बैक्टीरिया, ठीक है। फिर हीट लविंग प्रोक्रियोट, जो भी हीट लविंग है मैं आपको पहले ही बताया कि ये बैक्टीरिया कैसे है, ठीक है। हॉट स्प्रिंग है, थर्मो एसिडोफिल्स बैक्टीरिया है, होमोफिल्स, देन नेक्स्ट इज है आर्केनी बैक्टीरिया, जिसमें पर्पल सल्फर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। मीन्स ये जो बैक्टीरिया है वो लिटिल बिट पर्पल कलर का प्रेजेंट होगा, ठीक है। यू बैक्टीरिया इज ए साइनो बैक्टीरिया, एंथ्रेक्स एंड निमोनिया। डिफरेंस क्या है इन दोनों में, पहली बात जो यू बैक्टीरिया है वो सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकिन, ठीक है, एंड एंकिनी बैक्टीरिया जो सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ ए पॉलीसेक्राइड एंड द प्रोटीन, ठीक है। ये कुछ मेन मेन डिफरेंसेस हैं, आई होप आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लेना एंड रिवाइज करते रहना। जितने भी यू बैक्टीरिया हैं देयर इज नो हिस्टोन प्रोटीन विद एसोसिएटेड विद द डीएनए, एंड एक्टिव बैक्टीरिया में जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ, डीएनए के साथ एसोसिएटेड होते हैं। स्मॉल एंड सिंपल आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड सिमिलर टू द यूकैरियोटिक। यू बैक्टीरिया इज एब्सेंट ऑफ मैम्ब्रेन इनक्लोज द ऑर्गेनेल्स, एंड आर्के बैक्टीरिया इज प्रेजेंट ऑफ मैम्ब्रेन अनक्लोज द ऑर्गेनेल्स, ठीक है। यू बैक्टीरिया हैज ए नो न्यूक्लियर एनवलप, कोई न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता, और ऐसा ही इसके अंदर भी कोई न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता। यू बैक्टीरिया वेरी सेंसिटिव, ठीक है, टू द एंटीबायोटिक्स, और ये कोई सेंसिटिव नहीं होते एंटीबायोटिक्स में, ठीक है। टाइप्स, टाइप्स क्या क्या है वो ही मैंने अभी आपको जो बताया, एनवायरमेंटल बेसिस पे मीथोजन, एसिडोफिल्स एंड होलोफिल्स, ठीक है। थ्री टाइप्स के हैं, मीथोजन, एसिडोफिल्स एंड होलोफिल्स। मीथोजेंस क्या होते हैं वो मैं भी आपको पहले बताया था, मीथोजेंस वो होते हैं जो मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया जो है, येट बैक्टीरिया जो है वो CO2 को एरिया इनटू द मीथेन कन्वर्ट करता है। ये दिस बैक्टीरिया कन्वर्ट द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो भी काउ डंग में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं उनको कन्वर्ट कर देता है मीथेन में बाय द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन, फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल गैस फर्मेंटर जिसको एग्जाम्पल में बोलते हैं, और एग्जाम्पल में आएगा मीथेनोकोकस। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द रूमन ऑफ कैटल, रूमन ऑफ कैटल आप लोगों ने आई थिंक 11th क्लास में डिस्कस किया होगा, आपकी 8th क्लास की बुक में प्रेजेंट है, वेयर इट डाइजेस्ट द सेलुलोज बाय द फर्मेंटेशन, और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है मीथेन, ठीक है। मेनली मीथोजन क्या होता है, मीथोजन बस एक ही चीज है कि वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथोजन में मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है।
प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस या प्रोड्यूस मीथेन गैस, ठीक है। नेक्स्ट इज होलोफिल्स, हेलोफिल्स, ये क्या है? आप इसके वर्ड से मतलब समझ सकते हैं, मतलब सॉल्ट लविंग, जिस चीज को नमक से बहुत प्यार है, ठीक है। दे आर फाउंड इन एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया, कहाँ पे मिलेगा? जो एरिया बहुत ज्यादा सॉल्टी है, ऐसे सॉल्टी एरियाज पे प्रेजेंट होंगे। लाइक कौन कौन से होते हैं? ग्रेट सॉल्ट लेक एंड द डेड सी, दो टाइप्स ऑफ लेक्स हैं। एसी एक तो लेक है एंड सेकेंड इज सी है वो। होलोफाइल जो होते हैं वो सराउंडेड होते हैं बाय द पर्पल मैम्ब्रेन इन विच पिगमेंट, ठीक है। वो किससे सराउंडेड है? एक पर्पल मैम्ब्रेन होती है, पर्पल कलर की ऐसी एक मैम्ब्रेन होगी जिससे वो कवर्ड होते हैं। इन विच ए पिगमेंट इज ए बैक्टेरियो रोडोफिन इज फाउंड ड्यू टू द रीजन, किस वजह से वो जो पिगमेंट है वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है, किस वजह से फाउंड होता है? रीजन ये है, मैम्ब्रेन जो है वो एब्जॉर्ब करती है ब्राइट लाइट और डायरेक्टली फॉर्म क्या करती है? एटीपी। अब एटीपी का मीनिंग क्या होता है? एडिसोन और ट्राइफॉस्फेट, एंड दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड लाइक ए यू बैक्टीरिया। ये तो सीधा डायरेक्टली कन्वर्ट कर देती है, एंड देन उसके पास कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है या कोई भी ऐसा वो नहीं है। जैसे यू बैक्टीरिया जो है वो डायरेक्टली अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, बट ये एक अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाती है। एंड देर इज ए नॉन फोटोसिंथेटिक, इसलिए कि ये क्या है? एक नॉन फोटोसिंथेटिक है। थर्ड इज ए थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स मीन्स दिस इज ए हीट एंड एसिड लविंग। दो टाइप्स में आ गया, थर्मो मीन्स हीट और एसिड मीन्स एडिस एसिड, एंड फिल्स मतलब लविंग, ठीक है। तो थर्मो एसिडोफिल्स मीन्स हीट एंड एसिड लविंग। ये कहाँ पे प्लेस होते हैं या कौन सी जगह पे हमें मिल सकते हैं, कौन सी जगह पे हमें फाउंड होते हैं? उस जगह पे जहाँ का टेम्परेचर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 80 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस हो, एंड मीडियम इज एसिडिक, ठीक है। दे आर द एरोबिक बैक्टीरिया विच हैव ए कैपेसिटी टू ऑक्सीडाइज सल्फर टू H2SO4 एट ए हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिडिटी। बहुत हाई एसिडिटी पे और एक हाई टेम्परेचर पे इसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि ऑक्सीडाइज सल्फर को जो है वो कन्वर्ट कर देता है H2SO4 में। बट उस टाइम पे आपके पास टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए एंड हाई आपके पास एसिडिटी होनी चाहिए। सम ऑफ दीज बैक्टीरिया आर एबल टू रिड्यूस सल्फर टू H2S अंडर द एनारोबिक कंडीशन। दे आर फाउंड इन द हॉट सल्फर स्प्रिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? येलो स्टोन नेशनल पार्क। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? येलो स्टोन नेशनल पार्क। आई थिंक इससे ज्यादा तो इसमें कुछ है नहीं बताने को। लाइक यू बैक्टीरिया क्या होते हैं वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा। बहुत लंबा जाएगा आई थिंक ये चैप्टर। यस, ये बहुत लंबा जाएगा। आई होप अगर फंगी वो वायरस का स्ट्रक्चर वगैरह नहीं कंप्लीट हो पाता है यार, मैं ट्राई करूंगी जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा ये कंप्लीट हो जाए। अगर कुछ नहीं हो पाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल जब हम कोई भी थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले जो मैं आपको इसका पार्ट वो कंप्लीट करा दूंगी, एक रिवीजन टाइप में भी हो जाएगा, शॉर्ट रिवीजन मैं आपको कल पहले करवा दूंगी। देन उसके बाद जो है हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे। गाइस, अगर आप में से किसी को भी ये प्रॉब्लम है कि डाउट है कि मैम चैप्टर तो खत्म हो गया, बट प्लीज़ आप इसके क्या बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमें करवाएं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर जो है एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट फिर मैं वही चीज़ आपको करूँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द टाइप ऑफ यू बैक्टीरिया, जिसमें हमारा फर्स्ट इज ए साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया हैव ए क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये सिमिलर होते हैं बिल्कुल ग्रीन प्लांट की तरह एंड आर द फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, ठीक है। आई थिंक
मेरे को ऐसा सोचना है और मैं ऐसा सोचती हूँ कि आप लोगों को ऑटोट्रॉप्स और हिटरोट्रॉप्स के डिफरेंसेस तो क्लियर होंगे। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया वर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, ये एक पहला ऑर्गेनिज्म है जो क्या प्रोड्यूस करता है, ओटू प्रोड्यूस करता है ऑन अवर अर्थ, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, BGA। ठीक है, एंड साइनोबैक्टीरिया आर द यूनिसेलुलर कॉलोनीज में भी फॉर्म होता है एंड फिलामेंटल, थ्री टाइप्स के, यूनिसेलुलर, ठीक है, कॉलोनिकल एंड देन फिलामेंटल, एंड दे मे बी द फ्रेश वाटर और ए मैराइन। ठीक है, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स ए फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल कॉल्ड ए हिट्रोसिस्ट, जिसके एग्जाम्पल में आपका नोस्टक एंड दिस, वो ऑर्गेनिजम्स जो क्या फिक्स करते हैं एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं किस में, एक स्पेशलाइज सेल के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोसिस्ट। आई थिंक आप लोगों को हिस्टोसिस्ट का जो है पिक्चर भी विजिबल होगा। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए, अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देन कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक्स क्या होते हैं, हिटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, माइक्रोप्लाज्मा क्या होता है। दे यूज द केमिकल एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं किस लिए, इंस्टेंट ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी की जगह केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं किस लिए, फूड प्रिपरेशन के लिए, फॉर द फूड सिंथेसिस, अपने खाने के लिए क्या है, लाइट एनर्जी की जगह केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं। केमिकल एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, यानी केमिकल एनर्जी कहाँ से ऑब्टेंड होती है, जो भी केमिकल कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन होता है वहाँ से इनको केमिकल एनर्जी जो है वो ऑब्टेंड होती है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर डज नॉट टेक्स प्लेस हेयर, जो फोटोलाइसिस का प्रोसेस है वाटर में वो यहाँ पे नहीं होता है, सो हाइड्रोजन इज रिसीव फ्रॉम द अदर सोर्सेज, तो ये हाइड्रोजन का जो भी रिसीव करते हैं, जैसे भी रिसीव करते हैं, वो इनके अदर सोर्सेज होते हैं, लाइक ए इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स होते हैं उससे, या फिर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं लाइक अमीनो एसिड, फैटी एसिड एक्सेट्रा, इनसे ये अपना सोर्स कवर करते हैं, किसका, हाइड्रोजन। एग्जाम्पल में सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज द हिटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, दे आर द मोस्ट एब्रेंट इन द नेचर, मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ द ह्यूमन अफेयर, दे ये किस चीज में हेल्प करते हैं, ये कर्ड मेकिंग में हेल्प करते हैं फ्रॉम द मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, सम आर द पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू द ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स को और पेस्ट को, ये सब कुछ चीज़ों से डैमेज करते हैं, पैथोजन से डैमेज करते हैं। कॉलेरा डिजीज कॉज्ड बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ ए बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज है माइक्रोप्लाज्मा, ये माइक्रोप्लाज्मा ऑर्गेनिजम्स दैट कम्प्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर सेल वॉल जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, लैक ए सेल वॉल, दीज आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ये बहुत छोटे लिविंग सेल होते हैं जो कैसे सर्वाइव करते हैं, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव करते हैं, ये बहुत छोटे हैं। बहुत सारे माइक्रोप्लाज्मा एंड द पैथोजेनिक एनिमल्स एंड इन एनिमल्स एंड द प्लांट। ठीक है, देन द प्रोक्रियोटिक शेप, मोस्ट प्रोक्रियोटिक शेप आर द थ्री बेसिक शेप्स होती हैं जो मैंने आपको भी बताई थी, रेड रॉड शेप, स्फेरिकल शेप एंड हेलिकल शेप। ठीक है, बेसिलस, कोकस एंड स्पाइरल। डीएनए इज ए सेलुलर, ठीक है, डीएनए किससे कंबाइंड होता है, विद ए नॉन हिस्टोन प्रोटीन से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इट इज ए इक्विवेलेंट टू द वन क्रोमोसोम, बिसाइड अगर न्यूक्लियर डीएनए नहीं है, बिसाइड द न्यूक्लियर डीएनए इन सम बैक्टीरिया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। जो प्रोक्रियोटिक राइबोसोम्स होते हैं आर द 70S टाइप एंड दे आर द थ्री टाइप ऑफ प्लाज्मिड,
फर्स्ट इज ए आर फैक्टर, सेकेंड इज ए एफ फैक्टर एंड थर्ड इज ए कोक्लीजेनिक फैक्टर। आर फैक्टर इज ए फर्टिलिटी फैक्टर जो इतने रेस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ में, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने में, कोई भी जेनेटिक मटेरियल है उसको ट्रांसफर करने में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आर फैक्टर इज ए रेजिस्टेंस फैक्टर, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ड्रग, ड्रग्स के खिलाफ, ये क्या है आपका बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये देखो इकोलाई के अंदर कंजुगेशन कैसे होता है, एफ पॉजिटिव एफ नेगेटिव, एफ पॉजिटिव इज ए डोनर सेल, एफ नेगेटिव इज ए रिसिपिएंट सेल, ठीक है। प्लाज्मिड क्रोमोसोम एफ प्लाज्मिड, इसके बैक्टीरियल क्रोमोसोम एफ प्लाज्मिड इसके अंदर प्रेजेंट है, नहीं इसके अंदर एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है, इसके अंदर बैक्टीरियल क्रोमोसोमल प्रेजेंट है, ये जो एफ प्लाज्मिड है, ठीक है, ये कॉन्जुगेशन बाइंड ब्रिज फॉर्म करेगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करें तो मैंने आपको पहले बताया कि ये क्या है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्रेजेंट है एक में और एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है, एफ पॉजिटिव इज ए डोनर सेल एंड एफ नेगेटिव इज ए रिसिपिएंट सेल, ठीक है। कॉन्जुगेशन ब्रिज फॉर्मेशन हो रहा है, जो रोलिंग सर्कल्स हैं, रेप्लिकेशन हो रहा है, सिंगल स्ट्रैंड जो है वो एंटर कर रहा है किसके अंदर, रिसिपिएंट सेल के अंदर, सिंगल स्ट्रैंड जो है वो एंटर कर रहा है। सेकेंड स्टैंड सिंथेसाइज द बिगिन, और फिर दोनों अपने एफ पॉजिटिव मतलब डोनर सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज किंगडम प्रोटेस्टा जो है, किंगडम प्रोटेस्टा है वो अगेन 6-5 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। डायनोफ्लैगमेट्स, प्रोटोजोआ, स्लाइमोड्स एंड यूरिनॉइड्स, इसमें ये अगेन 5 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो पांचों टाइप्स क्या हैं, कैसे आते हैं, प्लांट लाइक प्रोटेस्टा दे आर द डायटम्स, डायनोफ्लैगमेट्स, ठीक है। एनिमल्स लाइक प्रोटेस्टा अमीबा, सीलिया, फ्लैजेलेट्स, ठीक है। सॉरी, ये सारी कुछ डिजीजेज हैं और ये कुछ प्रोटिस्टा हैं, कुछ वेक्टर्स हैं मतलब कैरियर हैं, किसकी वजह से डिजीज कॉज होती है, ये आपके सिलेबस से थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है फॉर आपकी आगे जर्नी के लिए, ये आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। देन ये सिम्टम्स एंड डिटेल्स, अमीबा से ये डिजीज कॉज होती है, वेक्टर क्या है वाटर, सिम्टम्स क्या होंगे आपको डायरिया होगा, डिटेल में बताएं तो यू गेट फ्रॉम द टैप वाटर इन सम प्लेसेस, ठीक है। ये भी वाटर, डायरिया एंड वॉमिटिंग, डू नॉट ड्रिंक वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम, ठीक है। ऐसी स्लीपिंग सिकनेस होती है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस एक डिजीज है जिसमें अनकंट्रोल स्लीपिंगनेस का होता है, जिसको ओनली फाउंड इन द आइसोलेटेड एरिया लिव इन द ब्लड। मलेरिया प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये एक फीमेल मॉस्किटो के प्रॉब्लम की वजह से होता है, उसकी बाइट करने की वजह से होता है, ठीक है। फीवर होगा, चिल्स होंगे एंड डेथ होगी, यू कैन ट्रीट विद द लिव्स इन द ब्लड एंड रिजल्ट इन द मिलियन डेथ पर ईयर। देन ये इसका वेक्टर कौन है, कैट है। सिम्टम क्या है, फीटल डेथ और द ब्रेन डैमेज, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है शुड अवॉइड द कैट लिटर। फर्स्ट इज, इसको डायटॉम्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इसकी इस ग्रुप के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, एक तो ड्राई एटम्स इंक्लूड होती हैं, गोल्डन एल्गी इंक्लूड होती है, ठीक है। सेकेंड थिंग, फ्रेश वाटर, दिस ग्रुप्स इंक्लूड द डायटम एंड गोल्डन एल्गी, ये कहाँ पे फाउंड होगी, ये आपको फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन में भी फाउंड होती है, जो भी मैराइन इन्वायरमेंट्स होते हैं उसमें भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। एंड दे आर द माइक्रोस्कोपिक, ये क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक है एंड फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट एंड मोस्ट ऑफ देम आर द फोटोसिंथेटिक, कुछ ही इनके मेन मेन एग्जांपल हैं, मतलब मेन मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट एक तो मैं आपको यहाँ पे नोट कर देती हूँ, फर्स्ट इज फ्रेश वाटर,
फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होंगी, मैराइन में प्रेजेंट होंगी। सेल वॉल है लिया, क्या क्या मेक करते हैं ये सेल वॉल को मेक करते हैं, ओवरलैप कर देते हैं या सो बॉक्स की तरह दिखती है, ठीक है। ये एक्यूमुलेशन करते हैं किसमें से, गिल्टी सॉइल्स के अंदर। यूज किस किस में होते हैं, पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड द सीरम, ठीक है। ये इनके कुछ है। और उसके बाद ये कौन से ग्रुप में इंक्लूड होते हैं, इंक्लूड इन द डायटम एंड द गोल्डन एल्गी। ये कहाँ फाउंड होते हैं, फ्रेश वाटर एज वेल एज इन द मैराइन वाटर। दे आर द माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करेंट एंड मोस्ट ऑफ देम आर द फोटोसिंथेटिक। डाइनोफ्लैजलेट्स क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मोस्टली मैराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। ये कैसे कलर के अपीयर होते हैं, ये कैसे कलर के विजिबल होते हैं, ये खाली आपको येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, रेड, ये किस कलर में होते हैं और ये चीजें किस चीज पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है कि उस सेल के अंदर कैसा पिगमेंट प्रेजेंट है। जिस टाइप का पिगमेंट प्रेजेंट होगा उसी टाइप का वो कलर शो करेगा, ठीक है। सेल वॉल हैज ए स्टिफ सेलुलोज प्लेट और ऑन द आउटर सरफेस। बहुत सारे मोस्ट ऑफ देम हैव द टू फ्लैजला, बहुत के दो फ्लैजला होते हैं। एवरी ऑफन जैसे रेड डायनोफ्लैजलेट्स होते हैं, अंडरगो सच ए रैपिड मल्टीप्लीकेशन, इनका रैप बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लीकेशन होता है एंड दैट मेक द सी अपीयर रेड। इस वजह से ये जो भी सी होता है उसको कैसा बनाते हैं, रेड कलर का फॉर्म कर देते हैं। और इसकी वजह से एक लार्ज क्वांटिटी में या लार्ज उसमें टॉक्सिन रिलीज होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है एक बहुत लार्ज नंबर में जितने भी मैराइन एनिमल्स हैं या फिशेज वगैरह जो भी पानी के अंदर एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं वो किल हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, ठीक है। पहली बात मैराइन है, फोटोसिंथेटिक है, सेल वॉल जो होती है वो स्टिफ होती है, ठीक है। सेकेंड से दो फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है और सेकेंड ट्रांसवर्सिव हो सकता है, ठीक है। बाकी ये जो रेड कलर के या किसी भी कलर के फॉर्म हो जाते हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल रेड कलर का फॉर्म हो गया, रेड डायनोफैग फ्लैजलेट्स प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लीकेशन करेंगे और सी का कलर जो है वो रेड हो जाएगा, मीन्स रेड टाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद वो एक लार्ज नंबर में या वो एक टॉक्सिन रिलीज करेंगे जिससे जो भी मैराइन एनिमल्स प्रेजेंट है, मतलब जो भी पानी के अंदर के जानवर होते हैं वो किल हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, लाइक ए फिश वगैरह जो है वो किल हो जाते हैं क्योंकि वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ए यूग्लोनाइड्स क्या है, ये कहाँ मिलेंगे, ये आपको फ्रेश वाटर में ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इंस्टेंट ऑफ द सेल वॉल इनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है, प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको हम लोग ये बोलते हैं, जो क्या करती है ये बॉडी को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल करती है। ऑल दो ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल करती है थ्रू दे आर द फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेटिक का वर्क करते हैं। व्हेन द डिप्राइव ऑफ द सनलाइट दे बिहेव लाइक द ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, बाय द प्रेडेटिंग ऑन द अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पिगमेंट जो है यूग्नोलॉइड का किसको इंडिकेट करता है, इंडिकेट टू दोस प्रेजेंट इन द हायर प्लांट जिसके यूग्नो, ठीक है। पहली बात फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर एक स्पेशल टाइप की एक लेयर प्रेजेंट होती है, स्पेशल टाइप की लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम प्रोटीन रिच लेयर बोलते हैं, वो क्या करती है उसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ्लैक्सीबल कर देती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करता है। अगर सनलाइट नहीं होती है, बाय चांस सनलाइट नहीं है, तो ये कैसे वर्क करता है, ये हीटरोट्रॉप की तरह भी वर्क कर सकता है, फॉर एन एग्जाम्पल यूवी, ठीक है। नेक्स्ट इज स्लाइम मोड्स। गाइस 2 सेकेंड्स, मेरा पैन नीचे गिर गया है तो मैं उसको एक बार उठा लूं। ठीक है, नेक्स्ट इज साइमोट्स। ये क्या है, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा है, ये जो अपनी बॉडी को मूव करते हैं, द बॉडी मूव अलोंग द डिकिंग थिंग्स एंड द लीव फ्रॉम द ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक ए प्लाज्मोडियम। साइमोट्स इज ए पैरासिटिक प्रोटिस्टा, ये आपको वर्ड से समझ सकते हैं आप।
ठीक है, अगर उनकी कुछ सुटेबल कंडीशन होती है, सुटेबल कंडीशन होती है, उस सुटेबल कंडीशन में ये कैसे कैसे ग्रो करते हैं, ग्रो और डिक्लाइन थिंग्स इन द लीफ, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में जो है ये फ्रूटिंग बॉडीज की तरह स्पोर्स ऑन द टिप इस तरह ग्रो करते हैं। स्पोर्स हैव अ ट्रू वॉल विच इज एक्सट्रीमली रेजिस्ट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स एंड डिस्पर्स बाय द एयर करंट, ठीक है। नेक्स्ट इज ए प्रोटोजोआ। जितने भी टाइप ऑफ प्रोटोजो हैं वो आर द हिटरोट्रॉप। क्या है? और वो लिव एंड लिव एज ए प्रीडेटर एंड द पैरासाइट्स, ठीक है। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स एंड दे आर द फोर मेजर ग्रुप ऑफ द प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ क्या है? हिटरोट्रॉपिक है। किसकी तरह रहता है? पीडिएटर्स की तरह रहता है। इसके चार मेजर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ प्रोटोजोआ में पहला अमीनोइड्स प्रोटोजोआ, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है, सी वाटर में एंड मॉइस्ट सॉइल में आपको मिलेगा, ठीक है। वो क्या, वो मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं अपना प्रे बाय पुटिंग सूडोपोडियम। आपने कभी अगर एट्थ क्लास में है अमीबा का, जो भी वो फूड कैसे कैप्चर कर रहा है, वो अपनी फूड को कैसे कैप्चर कर रहा है, उसका एक प्रोसेस आपकी एट्थ क्लास की बुक में प्रेजेंट है। तो अमीबा क्या है, उसके जब भी उसको फूड विजिबल होता है तो एक सूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर लेता है, जिससे वो अपने फूड को कैप्चर कर लेता है। सूडोपोडिया का हम लोग फॉल्स फीट भी बोलते हैं। सम ऑफ देम एज द पैरासाइट, ठीक है। फ्लैजलेटेड प्रोटोजोआस क्या होते हैं? दे आर द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, अरे आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। ये किस टाइप के ग्रुप हैं? या तो फ्री लिविंग है या तो पैरासिटिक है। इनके पास एक फ्लैजला लाइक चीज प्रेजेंट होती है, मतलब एक ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज, एक कोई टाइप ऑफ डिजीज कॉज करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट इज ए सीलिएटेड प्रोटोजोआ, दे आर द एक्वाटिक टाइप ऑफ के हैं, ठीक है। एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है, बिकॉज इनके अंदर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ द सीलिया प्रेजेंट है, मतलब उनके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, ये जितने भी ये जो चीजें हैं, ये थ्रेड 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 दिख रहे हैं, ये क्या है, सीलिया प्रेजेंट है, जिसको हम लोग हेयर भी बोलते हैं। इसलिए ये इजीली जो है वो मूव कर लेते हैं और ये बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। दे हैव द कैविटी दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, जिसको हम लोग पैरामीशियम बोलते हैं। स्पोरोजोआ ये एक दिस इंक्लूड द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दैट हैव द इन्फेक्शन लाइक स्पोर लाइक स्टेज इन द लाइफ साइकिल, ठीक है। इनके ऊपर क्या, एक स्पोर्स ही प्रेजेंट होते हैं, ये स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये किसको इफेक्ट करते हैं? ह्यूमन पॉपुलेशन पे इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट इज ए किंगडम फंगी, जस्ट वेट गाइस। मैं आज ये पूरा ही कंप्लीट करूंगी, आपका कितनी भी देर का क्लास है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर किंगडम फंगी, ठीक है गाइस। प्लीज अगर आप लोगों को किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट ड्रॉप कर देना, तो मैं आपको वहां से वो चीज डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। द फंगी एज ए यूनिक काइंड ऑफ द यूनिक किंगडम ऑफ हिटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या हिटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, एक यूनिक किंगडम है, किसका, हिटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का। ये क्या शो करता है, ग्रेट डाइवर्सिटी इन द मॉर्फोलॉजी एंड द हैबिटेट। मोस्टली जितनी भी फंगीज होती हैं आर द हिटरोट्रॉपिक और एब्जॉर्ब करती हैं सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को, किसमें से, डेड सबस्टांसिस में से, जिसको हम लोग स्पोरोफाइट्स बोलते हैं। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट, जो लिविंग प्लांट्स और लिविंग एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं उनको हम लोग पैरासाइट्स बोलते हैं। प्लीज ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप हमेशा याद रखना, किसको हम क्या बोलते हैं। दे कैन ऑल्सो लिव इन सिम्बायट्स, ये सिम्बायट्स की तरह लिव करते हैं, इन द एसोसिएशन विद एल्गी एज द लाइकेन एंड विद द रूट ऑफ द हायर प्लांट, ठीक है।
रिप्रोडक्शन जो होती है फंगी के अंदर वो बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू हो सकती है, जिसको हम लोग वेजिटेटिव बोलते हैं, लाइक ए फ्रेगमेंटेशन, फिजर एंड बडिंग। फ्रेगमेंटेशन कोई चीज टूट जाना, वहां से नई चीज बनना, ठीक है। बडिंग में कहीं पे कोई भी बड फॉर्मेशन हो जाना, उससे कोई रिप्रोडक्शन स्टार्ट करना। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द स्पोर्स, ये स्पोर्स की वजह से होता है, लाइक जू स्पोर्स हो गया। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ओ स्पोर्स, बेसिडो स्पोर्स, इनके नेम से, ठीक है। यहाँ पे आप सारे फंगी वगैरह के स्ट्रक्चर्स देख सकते हो। जितनी भी मल्टी सेलुलर फंगीज होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, फिलामेंटस होती हैं, जिनको हम हाइफे बोलते हैं, ठीक है। वो मोस्टली दे वो सम आर द कंटिन्यूस, बट दे आर डिवाइडेड बाय द सैक्टा, ठीक है। ए मास ऑफ द कनेक्टेड हाइफे इज माइसीनियम एंड इट ग्रो थ्रू द डाइजेस्टिव सबस्ट्रेट, ठीक है। ये फाइव टाइप, फोर टाइप के क्लासिफिकेशन है फंगी के, बेसिडोमाइसाइट, ड्यूरोमाइसाइट, एस्कोमाइसाइट एंड फिनोमाइसाइट, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो मैं अलग से अपनी तरफ से आप लोगों को बता रही हूं, अगर किसी को नोट डाउन करना है तो प्लीज नोट डाउन करें। किंगडम फंगी दे आर द हिटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। वन वर्ड में आप लिख सकते हैं कि किंगडम फंगी क्या है, एक हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ, हेटरोट्रॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट इज ए नेटवर्क ऑफ हाइफे, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, नेटवर्क प्रेजेंट होते हैं हाइफे के। मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफे प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल होती है किसकी, पॉलीसेक्राइड्स की, ठीक है। पैरासिटिक होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, सिम्बायोटिक होते हैं, ये सारे आपको मीनिंग मैंने समझा दिए। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द वेजिटेटिव मीन्स, फ्रेगमेंटेशन हुआ, फिजेंस हुआ, बडिंग हुआ। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर्स के थ्रू होता है। सेक्सुअल साइकिल जो होती है उसके अंदर थ्री मेन स्टेप्स होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मीजोइन, ठीक है। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, फ्यूजन होता है किसका, प्रोटोप्लाज्मा। कैरियोगैमी में फ्यूजन होता है दो न्यूक्लियर का या दो न्यूक्लियाई का। एंड मियोसिस में इन द जायगोट और रिजल्ट क्या होता है, हेप्लॉइड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये सारी अलग से चीजें थी जो मैंने आपको बताई। फर्स्ट फंगी कौन सी है, ये क्या है, ये एक मेंबर है किसका, एक्वाटिक हैबिट्स का, एक्वाटिक हैबिटेट्स का एक मेंबर है। और ये कैसे ग्रो करता है, ये बस ग्रो ही करता है डिकेइंग वुड्स में, इन मॉइस्ट एंड डप प्लेसेस, ठीक है, ऑन द पैरासाइट ऑफ द प्लांट, ठीक है। पहली बात, ग्रो ऑन द डिकिंग फुट, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो है, इसके जो माइसीलियम है वो एसेप्टेट्स होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कैसे, जू स्पोर्स के थ्रू, क्योंकि वो मोटाइल्स भी होते हैं, एंड एपेलनोस्पोर जो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द जू स्पोर एंड दिस, और जो जू स्पोर्स होते हैं आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट, किससे फॉर्म्ड होते हैं, गैमीट के फ्यूजन से फॉर्म होते हैं, ठीक है। बाकी चीजें आपको क्लियर है, जो भी सम कॉमन एग्जांपल्स क्या है, ब्रेड मोल्ड, ठीक है। सेकंड इज ए पैरासिटिक फंगी ऑन द मस्टर्ड। तो इसके कुछ मेन मेन पॉइंट, फर्स्ट इज ये कहाँ ग्रो करता है, ग्रो ऑन डिकेइंग वुड। सेकंड इसका रिप्रोडक्शन, ठीक है। थर्ड ये क्या है, एक सेक्स फंगी है, इसको हम लोग सेक्स फंगी भी बोलते हैं। मोस्टली ये मल्टी सेलुलर होती है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल पैरामीशियम रेयरली, और यूनिसेलुलर किसमें होती है, ईस्ट में। मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर दोनों होते हैं। ये सेप्रोफिटिक है, डीकम्पोजर्स हैं, सेप्रोफिटिक, डीकम्पोजर, पैरासिटिक हैं। और माइसिलियम जो है वो ब्रांच भी होते हैं, सेपरेटेड भी होते हैं, ठीक है। पहली बात, ये सेक्स फंगी है, वन वर्ड में मैं आपको बोलूं। सेकेंड थिंग, ये सेप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है, डीकम्पोजर है, ठीक है, ये मेन चीजें हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज है, ये इसके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, ठीक है,
एंड सेक्सुअल स्पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं जिससे ये इनकी बॉडी जो है वो आगे वर्क करती है। एग्जाम्पल आपको मैंने बता ही दिए, और इनका माइसीलियम जो होते हैं वो ब्रांच भी होते हैं और सेपरेटेड भी होते हैं। बेसिडोमाइसाइट्स क्या होते हैं? इनकी जो माइसीलियम है फर्स्टली वो सेपरेट होंगे और ब्रांच होंगे, ये आप याद रखना। कॉमनली ये क्या है, ये मशरूम होता है जिसके ऊपर, जिसको हम बकेट फंगी भी बोलते हैं और पफ बॉल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ ग्रो करता है? सॉइल के अंदर ग्रो करता है, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्स एंड फ्री वाटर, फ्री प्लांट बॉडीज जैसे पैरासाइट, ठीक है। माइसीलियम्स इज ए ब्रांच एंड द सेपरेटेड, दोनों चीजें मैंने आपको बोल दी और कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दी। जनरली इसके अंदर ए सेक्शुअल स्पोर्स फाउंड नहीं होते हैं, सेपरेट और ब्रांच है इसका माइसीलियम। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय द फर्मेंटेशन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय द फ्यूजन ऑफ द वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स टू फॉर्म ए प्लाज्मिडम, टू फॉर्म ए बेसिडम प्रोड्यूस इन द बेसिडोक्रैप, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर कॉमनली फॉर्म ऑफ कौन कौन से, मशरूम हो गया, बकेट हो गया, ये सब चीज। ड्यूरोमाइसाइट्स क्या है? ये एक इम्परफेक्ट फंगी है बिकॉज ओनली इन द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंगी आर नोन, ठीक है। इसको हम लोग फंगी इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, है ना। सेकेंड थिंग, इसके अंदर जो सेक्सुअल फॉर्म ऑफ फंगी है वे आर डिस्कवर बाय द दे वर मूव इन टू द क्लासेज दे राइटली बिलोंग्स टू, ठीक है। वंस फॉर सेक्सुअल फॉर्म इज डिस्कवर्ड द मेंबर इज मूव टू द अदर टाइप, लाइक ए बेसिडोमाइसिट्स पे कहीं भी। इसका जो माइसीलियम है वो सेपरेटेड और ब्रांच दोनों है, दे आर द सेप्रोफिटिक पैरासिटिक एंड डीकम्पोजर्स। सब मेंबर्स जो है वो सेप्रोफिटिक हैं और पैरासिटिक हैं, एंड वाई इज अ लार्ज नंबर ऑफ दे आर द डीकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन द मिनरल साइक्लिंग। नेक्स्ट इज वॉट इज द लाइकेन? लाइकेन क्या आता है? लाइकेन आता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। लाइकेन क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, मीन्स म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन है, किसके बीच में? एल्गी और फंजाई के बीच में। ये आप याद रखेंगे कि लाइकेन क्या है, लाइकेन आता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके बीच में होता है? वो एल्गी और फंगी के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। ठीक है, एल्गल कंपोनेंट जितने भी प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग ये बोलते हैं, और जो भी फंगल कंपोनेंट है इसे माइकोबॉइंट्स बोलते हैं। विच आर द ऑटोट्रॉपिक एंड हिटरोट्रॉपिक रिस्पेक्टिवली? एल्गी क्या करती है? वो प्रिपेयर करती है अपना फूड फॉर द फंगी, और फंगी क्या प्रोवाइड करती है? उनको शेल्टर प्रोवाइड करती है, मतलब उनको छत प्रोवाइड करती है, एंड अब्सॉर्ब जितने भी मिनरल और न्यूट्रिएंट हैं उन सबको अब्सॉर्ब कर लेती है। So close in their association, so one then lichen in the nature, one would never imagine they are would have different organism within. Lichen are the very good for the pollution indicator and they do not grow in the polluted area. Okay, clear a symbiotic association hai between the algae component and the fungal component. Algae kya provide karti hai? Usko food provide karti hai, aur fungi jo provide karti hai usko shelter provide karti hai, एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट एंड वाटर को फ्रॉम द एल्गा। ये गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है, ये जो है वो पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि एल्गी जो है वो क्या है, लाइकेन जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, क्योंकि वो दोनों जो है वो म्यूचुअली वर्क करते हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ रहकर काम करते हैं। एल्गी जो है वो एक अलग काम करेगी और फंगी जो है वो एक अलग काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, स्पोर्स प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्पोर्स फॉर्म होगा, जर्मिनेशन होगा, मीजिलियम माइसीलियम होगा एंड देन स्पोर्स फॉर्मेशन होगा। तो हिप्लॉइड से टू एंड डिप्लॉइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हेटरोक्रेटिक स्टेजेस में फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, देन जायगोट, मियोसिस, स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, स्पोर्स एंड जर्मिनेशन, देन दिस, ठीक है। ये फंगल पैरासिटिक एंड पैथोजन आपको शो किए गए हैं।
ये पेंसिलिन है। आप जब वो आफ्टर 12th आप किसी भी अगर रिसर्च फील्ड में जाते हैं तो ये आपको करने पड़ते हैं। विचुलेशन बिटवीन द फंगी एंड द रूट ऑफ द 90% ऑफ वस्कुलर प्लांट एंड इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका एक टॉपिक और बचता है, मैं आज ही सारा क्लियर करा देती हूँ। नेक्स्ट इज अ वायरस। आई नो थोड़ा इसमें वायरस ने को मैं एड ऑन करना भूल गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देन आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। लास्ट पॉइंट इज वायरस। वायरस क्या है? फर्स्टली वायरस दे डू नॉट फाइंड ए प्लेस इन द क्लासिफिकेशन, नॉट ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट ट्रूली लिविंग है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है विच टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। ठीक है, ऑन एंटरिंग एंड बिकमिंग लिविंग, बट सच एज दे आर दे हैव ए इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अपीयर इन नॉन लिविंग, सो डिफिकल्ट कॉल देम इज लिविंग और ए नॉन लिविंग। वायरस मीन्स इज ए पॉइजनस फ्लूड। वायरस को आप लोग क्या बोल सकते हैं? वायरस इज ए पॉइजनस फ्लूड। ठीक है, कुछ सर्टेन टाइप ऑफ माइक्रोब्स होते हैं जो क्या कॉज करते हैं? टोबेको मोजिक, जिसको हम लोग टोबेको प्लांट डिजीज बोलते हैं। ठीक है, कुछ फ्लूड जो होते हैं वो एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको, वो जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं किसी भी हेल्दी प्लांट में। डब्ल्यू एंड स्टेलेंट का शो किया, वायरस शुड बी क्रिस्टलाइन टू फॉर्म ए क्रिस्टल, एक क्रिस्टल की तरह फॉर्म होता है ऑफ प्रोटीन विच आर इनर्ट आउटसाइड टू द स्पेशलाइज्ड होस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? आई थिंक आप लोगों को पता होगा। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस क्या है? वायरस का स्ट्रक्चर क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन है। किसका फॉर्म्ड होता है? प्रोटीन का फॉर्म्ड होता है, प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, प्रोटीन की कोट प्रेजेंट होती है उसके ऊपर, जिसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड किसकी बनी होती है? वो एक कैप्सोमेयर्स की बनी होती है, जो अरेंज होते हैं हेलिकल और द पॉलीहेड्रल जेनेटिक फॉर्म में। हैव ए आइदर इज द आरएनए और द डीएनए, और जेनेटिक मटेरियल में भी द सिंगल और डबल स्ट्रैंड। ठीक है, जितने भी यूजली प्लांट वायरसेस होते हैं हैव द सिंगल स्ट्रैंड, सॉरी प्लांट वायरसेस जो है वो कैसे होते हैं? वो सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, डबल एस होते हैं। ठीक है, जैसे बैक्टीरियोफेजेस हैं वो हैव द डबल स्टैंडर्ड, एनिमल वायरस हैव द सिंगल और डबल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, वो दोनों चीजों में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, डिजीज कौन कौन सी कॉज होती हैं? बहुत सारी डिजीज कॉज होती हैं, लाइक स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ये सब है प्लांट्स के अंदर उनके सिम्टम्स के हिसाब से शो करता है। जैसे लीफ का रोलिंग होना, येलोइंग होना, ड्राफिंग होना, प्लांट छोटा हो जाना। ठीक है, ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट इज वायरस हो गया, वायरनॉइड्स। वायरस क्या है? कि इन्फेक्शन एजेंट है। ठीक है, ये मेन, इसका मेन वर्क क्या है? ये इन्फेक्शन एजेंट है। फ्री आरएनए, इसके अंदर कोई भी जो है प्रोटीन की कोटिंग प्रेजेंट नहीं होती, कोई भी कोट प्रेजेंट नहीं होता इसके अंदर। आरएनए का, आरएनए हैज ए लो मॉलिकुलर वेट, लो मॉलिकुलर वेट। ये क्या कॉज करता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है। और इसको डिस्कवर किसने किया था? मेन बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, इसको डिस्कवर किया था टीओ डेनम। ठीक है, आई थिंक ये यहाँ पे आके पूरा कंप्लीट हो गया है। सो
सॉरी, मैंने आपको स्ट्रक्चर नहीं बताया वायरस का, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, बनाना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ऑफ वायरस बना देती हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है, उसका हेड प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, इसके अंदर इंटरनल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल प्रोटीन। ये नेक पोर्शन है, ये टेल होती है, ठीक है, बाकी ये सब आपको पता ही है। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को सारी चीजें इसमें क्लियर होंगी। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ट्राई तो पूरा किया है एक एक चीज आपको अच्छे से क्लियर करने की। अगर तब भी किसी को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना प्रॉब्लम क्लियर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइज गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, वॉचिंग माई लेक्चर। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और प्लीज़ घर में रहिए, सेफ रहिए। ठीक है, अगर अभी भी किसी को कोई डाउट या कोई इश्यू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ एंड दिस लेक्चर। बाय एंड टेक केयर।